रायबरेली पुलिस की सर से दबंगों के हौसले बुलंद। आधी रात को छप्पर में लगाई आग, बुरी तरह झुलसा युवक। रायबरेली जनपद में इन दिनों जिले के कुछ पुलिस कर्मियों के सह पर दबंगों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। पूरा मामला जिले के नशीराबाद थाना क्षेत्र स्थित चतुरपुर गांव का है, जहां पर दबंग पीड़ित श्यामलाल का दिन में दबंग छप्पर हटाते नजर आते हैं। मौके पर पहुंचे यूपी 112 ने सुबह दोनों पक्षों को नशीराबाद थाने में तो बुलाया, किंतु पुलिस के आने से दबंग इस कदर कुपित हो गए कि आधी रात को छप्पर में आग लगाकर नशीराबाद पुलिस को खुलेआम चैलेंज करते हैं। रात को अचानक आग लगने से छप्पर के नीचे सो रहा युवक गंभीर रूप से झुलस गया, जिस पर रात में मौके पर पहुंची पुलिस दबंगों के आतंक का तमाशा जरूर देखती है, किंतु मामले के दो दिन बीत जाने के बावजूद अब तक दबंगों पर कोई कार्यवाही नहीं करती। हद तो तब पार होती है जब मामले की शिकायत पीड़ित थाने पर करने जाता है, और जहां पर कार्यवाही के बजाय पीड़ित की तहरीर की बदल कर दो घंटे बाद आरोपियों को खुलेआम छोड़ दिया जाता है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नसीराबाद पुलिस के सह पर ही दबंग अपनी दबंगई खुलेआम कर रहे हैं। यदि पीड़ित के माने तो पुलिस द्वारा अब तक आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अंशु श्रीवास्तव, जिला क्राइम ब्यूरो चीफ, रायबरेली। क्या नाम है आपका? सर रामदीन राम भगत। कहाँ के निवासी हैं? पूरे लाल उपाध्याय चतुरपुर। दादा जी, छपरा कब से रखा हुआ था? छपरा सन 80 से रखे हैं साहब हम। ये आपकी जमीन है यहाँ पे? हमारी जमीन है साहब, इस सब छप्पर को रखे 42 साल हो गए। तो क्या हुआ इसमें? इसमें साहब हमारे दरवाजे पर आकर के बीच की रास्ता है, बगल में हमारा छप्पर यानी मड़हा है, और मड़हा के सामने जो आकर के कूड़ा डाले तो हमारी औरत ने कहा कि यहाँ पर बड़का मत डालो, तो उसने कहा कि चली जा सामने से, नहीं चढ़ा लात मार दे बेजोन है। तो क्या घटना का अंजाम दिया उसने? तो हम चुपाई मान लिए। तब तक वो गई घर से हंसिया लाई, और हंसिया ला करके हमारा छप्पर जो ना है करीब 5 फुट का उचिन के सब बहा दिया बाहर, और उसके बाद में धमकी दिया कि इसको आज हटा लो, और नहीं हटाते तो रात में आगी लगा कर देंगे और इसी में मर जाओगे। उनका घर यहाँ कितनी दूर पे है? उनका घर यहाँ से करीब 10-20 दूर पर है साहब, हमारे घर से उत्तर साइड में उनका घर है और 10-20 की दूर पर। आगजनी में क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? आग जलने पर हमारा नुकसान ये हुआ है साहब कि हमारा इसमें जो है 15 बोरी गेहूं था और 10 बोरी जो है धान था, और 2 क्विंटल आलू थी, और 1 बोरी चावल था। कोई जला भी है कोई आदमी वगैरह कुछ? और हमारा दामाद उसी मलहा के अंदर सोया था, मतलब लेटा था, और मतलब जो है वो 2 बजे रात में आगी लगा दिया साहब। और चाहते तो क्या हैं आप? जब वो जल गया तो उठ के भागा साहब, और गुहार मचाया जो है, और उस पर जो है फिर 100 नंबर पुलिस आई रात में। क्या चाहते हैं आप इस मामले में? हमको न्याय चाहिए साहब, हमको न्याय मिलना चाहिए सर, हम रह नहीं ना पाओ। घर आप कहाँ है? हमारा घर साहब यही है, पूरे लाल उपाध्याय चतुरपुर। भैया क्या नाम है आपका? श्यामलाल। कहाँ के निवासी हो? सर जी पूरे लालपुर। क्या घटना हुई आपके साथ? सर जी हमारे साथ ये हुआ कि यहाँ रोड पे कूड़ा फेंकते थे, हमारे घर वाले मना किया तो उस पर मार पीट पे उतारू हो गए। कौन था वो? जगमोहन थे, और उस जगमोहन की औरत इंद्रावती, और उसकी लड़की ममता, और दिनेश की औरत। फिर क्या हुआ? उसका फिर क्या हुआ? फिर हम उसको बोले तो हमारा छपरा उतन के रख दिया, छपरा उतन के रख दिया, तो हमने 112 बुलाया। तो 112 बुलाने पर नहीं उसने समझा, उसने कहा प्रधान को बुलाया, उस पर भी नहीं समझा। तो उसने प्रधान के 112 नंबर सामने कह रहे हैं कि औरत वो लोग कि अगर इसको नहीं हटाओगे तो ज़बरदस्ती हटाओगे, नहीं हटाओगे जला देंगे, इसमें सब लोग भर जाओगे। तो फिर उसने 112 नंबर हमको कहा कि आप ऐसा करिए, नहीं मानेंगे आप चले जाइए नसीराबाद थाने में अप्लीकेशन दे दीजिए। हमने गए वहाँ अप्लीकेशन दे दिया, वहाँ शाम को 6 बजे आए दीवान साहब, वो भी समझे नहीं समझे। उसने कहा ऐसा करिए आप दोनों पार्टी सुबह चले आना, हम समझा देंगे वहाँ पर। और सुबह हुआ नहीं कि भैया पहले ही रात में 1:30-2 बजे आग लगा दिए लोग। किसने आग लगाया? वही लोग जगमोहन उसकी। आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? हम सर जी सो रहे थे मंजी पे इसी के बगल में। क्या रात में पुलिस वगैरह आई थी? हाँ जी सर आई थी पुलिस। आप कैसे जल गए? हम सो रहे थे सर जी, वैसे देख लीजिए हमारी क्या। कैसे आपको पता चला कि जो है आग लगी? सर जी हम सो रहे थे तब जल गए, इतना जल गया तो मुझे भागे उठ के सर जी, देखे तो आग लग गई, चिल्लाए भागे सर। कहीं अप्लीकेशन शिकायत कुछ किया है? हाँ जी मैं नसीराबाद में देखे आए थे सर जी। क्या कार्रवाई हुई वहाँ पे? कार्रवाई यही हुई कि उसको पकड़ के ले गए, 1-2 घंटे में सर जी छोड़ दिए। मुझे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ।